की जय। देश के मत शहीदों की जय। भारत माता की जय। भारत मातरम 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 मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। सिक्किम में शहीद हुए भारत के लाल हिमांशु नेगी का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके आवास पांडे कॉलोनी पहुंचा। इस दौरान सेना के जवान जब उनका पार्थिव शरीर लेकर उनके आवास पहुंचे तो वातावरण शोक में डूब गया। हजारों लोगों ने नमाखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी है। हिमांशु बीते बुधवार को सिक्किम में सेना के वाहन से गंगटोक जाते समय वाहन की गहरी खाई में गिरने से शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर पहले बीती दोपहर तक काशीपुर पहुंचना था, लेकिन सिक्किम में मौसम खराब होने के चलते विमान उड़ान नहीं भर सका। ऐसे में बीती शाम को दिल्ली और फिर दिल्ली से हल्द्वानी होते हुए आज सुबह लगभग 7 बजे उनका पार्थिव शरीर काशीपुर पांडे कॉलोनी में उनके आवास में पहुंचा। इस दौरान हिमांशु के पार्थिव शरीर के पहुंचते ही परिवार और क्षेत्रवासियों में कोहराम मच गया। पिता हीरा सिंह, बहन दीपा, मां कमला, भाई बीरेंद्र और चंदन सहित वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। वहीं हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। सभी ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रिश्तेदार हिमांशु के भाई दिव्यांग चंदन को पार्थिव शरीर के पास ले गए और अंतिम दर्शन कराए। वहीं मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर शहीद के अंतिम दर्शन किए, जिसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर सेना के वाहन में भारी जनसमूह के साथ अंतिम संस्कार के लिए रामनगर के शमशान घाट के लिए रवाना हुआ। वहीं शमशान घाट पर शहीद हिमांशु नेगी को 56 एएससी बटालियन हल्द्वानी से आई टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। वहीं काशीपुर के जॉइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा प्रहलाद कोंडे ने भी हिमांशु की शहादत पर उनके घर जाकर परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, हिमांशु भाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, हिमांशु भाई का नाम रहेगा। जी, सबसे पहले तो हिमांशु नेगी जी की आत्मा को शांति मिले और ये बहुत दुख की बात है कि एक हमारा जवान जो बेटा है इस गांव का जो शहीद हो गया है, और साथ में ही मगर परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि चूँकि वो शहीद हुए हैं। प्रशासन पूरा उनके साथ है और जिस भी तरह का सहयोग प्रशासन के द्वारा बनता है एक शहीद के परिवार के लिए, तो वो पूरा सहयोग उनको। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।